नमस्कार दोस्तों, हेल्थ और स्वास्थ्य से रिलेटेड नव हेल्थ चैनल में आप सभी का एक बार से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एल्डिजेसिक पी सस्पेंशन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसका इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में करना होता है, इसके प्राइस के बारे में, और इस सस्पेंशन को लेने के बाद इसके लाभ और इसके नुकसान से कैसे बचा जाए, आदि ये सही बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीश खान सैफी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए हेल्थ और स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एल्डिजेसिक पी सस्पेंशन के बारे में जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, अगर हम इस सस्पेंशन के यूजिंग की बात करें तो इस सस्पेंशन का खास यूज़ जैसे कि बच्चों में हाई फीवर हो जाने की स्थिति में, हेडेक पेन यानी सर दर्द होने पर, मसल्स पेन, डेंटल पेन, इसके अलावा बच्चों में कान या अचानक से चोट लग जाने की स्थिति में एक पेन किलर मेडिसिन के रूप में इस सस्पेंशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस सस्पेंशन के कंटेंट पर नज़र डालें तो इसमें जैसे कि एसीसिलोफिनिक IP 50 mg और पैरासीटामोल IP 125 mg यूज़ किया गया है। दोस्तों, एल्डिजेसिक पी सस्पेंशन एक बेस्ट एनाल्जेसिक, इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक सस्पेंशन है। इस सस्पेंशन की हर एक चम्मच में यानी 5 ml कंटेन में एसीसिलोफिनिक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg एक बेसिकली रूप में डाला गया है। अगर हम इस सस्पेंशन के मार्केटेड वाई ब्रांड की बात करें तो यह एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड का बनाया हुआ बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन है। कंपनी यह सस्पेंशन हमें 60 ml की प्लास्टिक की बोतल में अवेलेबल कराती है, जिसका मार्केटेड प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, ओनली 51 rupees, और यह आपको एनी केमिस्ट शॉप से बड़ी ही आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है। अगर हम इस एल्डिजेसिक पी सस्पेंशन के यूजिंग की बात करें कि इसका इस्तेमाल बच्चों में कितनी मात्रा में करना होता है, तो यदि आपका बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच की स्थिति में है तो आप इसका इस्तेमाल 5 से 7 ड्रॉप तक कर सकते हैं, और यदि आपका बच्चा 1 साल से लेकर 3 साल के बीच की स्थिति में है तो आप 2.5 ml यानी कि हाफ चम्मच 2 टाइम इसका यूज अपने डॉक्टरी परामर्श के अनुसार कर सकते हो। इसके अलावा यदि बच्चे की उम्र 3 साल से लेकर 5 या 7 साल के बीच की स्थिति में है तो आप 5 ml यानी कि 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। याद रहे दोस्तों, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल अपने पर्सनल डॉक्टर की देखरेख में ही करें। कभी कभी आपको इस सस्पेंशन के ओवरडोज के इस्तेमाल से कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, डिस्पेप्सिया आदि। इसके अलावा स्किन रेशिज और लीवर डिजीज आदि समस्याएँ भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से पहले इसे अच्छे से शेक जरूर करें यानी हिला लें, फिर इसका इस्तेमाल करें। ये इस सस्पेंशन का एक छोटा सा प्रिकॉशन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।